व्हाइट हाउस में पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल के साथ डिनर किया। प्राइवेट डिनर के लिए पीएम मोदी ने बाइडेन फैमिली का धन्यवाद किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हमारे बीच कई विषयों पर अच्छी बातचीत हुई। डिनर के बाद बाइडेन परिवार को पीएम मोदी ने गिफ्ट दिए। जिल बाइडेन को पीएम मोदी ने 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया तो उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन को उपनिषद की कॉपी के साथ चंदन की लकड़ी का बॉक्स और गणेश जी की मूर्ति भी भेंट की। पीएम मोदी ने बाइडेन परिवार को कुल 10 गिफ्ट दिए। अमेरिका में पीएम मोदी ने वर्जीनिया की नेशनल साइंस फाउंडेशन का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका को पाइपलाइन ऑफ टैलेंट की जरूरत है। भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। भारत और अमेरिका मिलकर ग्रोथ की एक नई भारत लिख सकते हैं। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में उद्योगपतियों से फेस टू फेस मीटिंग की। उन्होंने माइक्रोन के सीईओ संजय मल्होत्रा, जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ एच लॉरेंस कल्प जूनियर और अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ गैरी डिकर्सन से भी मुलाकात की। पीएम मोदी और अमेरिकी उद्योगपतियों के बीच भारत में निवेश की संभावनाओं पर सार्थक वार्ता हुई। इससे पहले वॉशिंगटन पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। होटल के बाहर भारतीयों की भीड़ दिखी। उत्साहित लोगों ने होटल के बाहर मोदी मोदी के नारे लगाए। इस बीच पीएम मोदी ने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए। वॉशिंगटन डीसी में संयुक्त बेस एंड्रयूज पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। एयरबेस पर दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए गए। इसके बाद पीएम मोदी के सम्मान में एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी के दौरे पर व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि भविष्य के लिए ये निर्णायक साझेदारी है। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। किर्बी के मुताबिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर फोकस होगा। आज शाम पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस फेस टू फेस मीटिंग में अमेरिका के साथ भारत कई बड़ी डिफेंस डील लॉक करेगा। अमेरिका के साथ MQ-9 ड्रोन पर बड़ा समझौता होगा। भारत को मिलने वाला MQ-9 ड्रोन टोही मिशन के साथ अटैक करने में सक्षम है। आज देर रात पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। यूएस कांग्रेस की संयुक्त बैठक को इससे पहले उन्होंने 2016 में संबोधित किया था। तो पीएम मोदी की कल वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में भी सभाएं होंगी।